CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम आलस और आलसी। यूसुफ पापा द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। बहुत पुरानी बात है, किसी जंगल में नंदू नाम का एक खरगोश रहता था। नंदू खरगोश बहुत चुस्त और फुर्तीला था। वो अपना सारा काम अपने आप ही करता था। उसका एक दोस्त था टमटम भालू। टमटम भालू बड़ा आलसी था। वो हर काम के लिए दूसरों का इंतजार करता। एक बार नंदू खरगोश ने उससे कहा, अरे दोस्त, ये क्या तुम हर काम के लिए दूसरे का इंतजार करते हो? कुछ काम अपने आप भी किया करो। टमटम भालू ने कहा, देखो नंदू, खाना तुम्हें भी मिलता है, खाना मुझे भी मिलता है। तुम जो इतनी मेहनत करते हो वो किस लिए? नंदू ने कहा, तुमने कभी अपनी मेहनत का खाना नहीं खाया ना, इसलिए तुम नहीं समझ सकते। हमेशा मैं ही हल चलाता हूँ, बीज बोता हूँ, सिंचाई करता हूँ, और जब फसल कटती है तो तुम भी आ जाते हो। इस बार देखता हूँ बिना मेहनत के तुम कैसे खाते हो। नंदू के बहुत कहने पर भी टमटम भालू मेहनत करने को तैयार नहीं हुआ। नंदू ने अकेले ही खेत में हल चलाया, बीज बोया, भालू आराम करता रहा। कुछ दिन के बाद खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। अब नंदू खरगोश ने टमटम भालू से फिर कहा, चलो टमटम, फसल काट लें, सारा दिन सोते रहते हो। टमटम बोला, तुम खेत पर चलो, मैं अभी आता हूँ। नंदू तो चला गया अपने खेत पर टमटम पड़ा सोता रहा। वो खेत पर नहीं गया। नंदू खरगोश ने अकेले ही फसल काटी। फसल काटने के बाद नंदू खरगोश घर लौट आया। टमटम भालू अब भी पड़ा पड़ा सो रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली। उसने नंदू खरगोश से पूछा, क्या फसल काट आए? नंदू बोला, हाँ फसल काट आया हूँ, पर तुम्हारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है। मैं अकेला ही मेहनत करता रहा और तुम पड़े पड़े सोते रहे। भालू गुस्से से गुर्राया, क्या कहा? सब कुछ तुमने किया, यानी मैंने कुछ नहीं किया? खरगोश चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस फसल में से कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा? सब कुछ तुमने किया, यानी मैंने कुछ नहीं किया? नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस फसल में से कुछ नहीं मिला। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मिला। तुमने किया, तुम्हें कुछ नहीं मिला। मुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें कुछ नहीं मिला।
इस तरह दोनों का झगड़ा चल रहा था, तभी वहां से एक ऊंट गुजरा। खरगोश और भालू के लड़ने की आवाज सुनकर वो वहीं रुक गया और उनसे पूछा, अरे भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, कुछ बताओ भी तो। खरगोश ने सारी बात ऊंट को बताई। सारी बात सुनकर ऊंट ने कहा, फसल में टमटम भालू का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, अकेले नंदू खरगोश ने बीज बोए, सिंचाई की और फसल काटी भी उसने ही। ये तो मैं भी देखता था, क्योंकि मेरे खेत भी खरगोश के खेत के पास ही है। भाई जो मेहनत करता है उसी का हिस्सा होता है। खरगोश ने मेहनत की है इसलिए सारी फसल उसी की है, तुम्हारी नहीं। भागो यहां से, नहीं तो तुम्हें अभी मारता हूं। बच्चों, भालू डर गया और वहां से भाग गया। खरगोश मजे से रहने लगा। अरे आलसी आलस छोड़, मेहनत से तू नाता जोड़। अरे आलसी आलस छोड़, मेहनत से तू नाता जोड़। करता है बालक, खाता आलू बालक है। सदा चलो मेहनत की ओर, अरे आलसी आलस छोड़। सदा चलो मेहनत की ओर, अरे आलसी आलस छोड़। सुन लिया गीत? अब बताओ आलसी बनोगे या मेहनती? मेहनती। भला आलसी बनने को कौन तैयार होगा? सब मेहनती बनेंगे। अच्छा, आलस कौन करेगा? कोई नहीं, कोई भी नहीं। मेहनत कौन करेगा? सब करेंगे। मास्टर साहब किसकी प्रशंसा करते हैं, आलसी की या मेहनती की?
मेहनती की। अरे भाई, आलसी को कौन पूछेगा? तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम मेहनत करो, मेहनती बनो, परिश्रम करो, परिश्रमी बनो। मेहनती बच्चे को सब प्यार करते हैं, आलसी से कोई प्यार नहीं करता। सुबह माँ ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो। बेटा रजाई ओढ़े पड़ा है। अरे उठ ही नहीं रहा। तो वो कौन हुआ? आलसी। एक बार की बात है बच्चों, दो आदमी थे, दोनों ही बड़े आलसी थे, हाथ पांव हिलाना ही नहीं चाहते थे। बस उनकी तो जुबान हिलती थी। एक दिन दोनों बेर के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटे। एक के पेट पर एक बेर आकर गिरा। वो आलस के मारे हाथ से उठाकर बेर को मुंह में नहीं डाल सकता था। थोड़ी देर में एक घुड़सवार आया। आलसी ने पुकारा, भाई साहब जरा सुनिए। घुड़सवार ने पूछा, क्या बात है? आलसी ने कहा, भाई साहब मेरे पेट पर पड़े हुए बेर को उठाकर मेरे मुंह में डाल दीजिए। दूसरे आलसी ने कहा, भाई साहब ऐसा हरगिज नहीं कीजिए, ये बड़ा आलसी है। अभी कल की बात है, मैं लेटा हुआ था, एक कुत्ता आया और मेरे मुंह को चाटने लगा। मैंने इससे कहा, अरे भाई देख नहीं रहे, ये कुत्ता मेरे मुंह को चाटे जा रहा है, जरा इस कुत्ते को भगा दो ना। लेकिन इस आलसी ने कुत्ते को नहीं भगाया। ये सुनकर घुड़सवार को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम दोनों बहुत ही आलसी हो। उसने दोनों आलसियों को दो दो हाथ मारे और कहा, उठो यहां से, कुछ काम धाम करो, आलस छोड़ो, मेहनत करो। मेहनत करो अरे मेरे बच्चों, सुन लो जरा अकल के कच्चों। मेहनत करो अरे मेरे बच्चों, सुन लो जरा अकल के कच्चों। उठो परिश्रम की है बेला, कहे गुरु जी सुन हे चेला। बाद में जाना मेला ठेला, जाकर खाना लड्डू केला। तुम मत डरो मेरे बच्चों, मेहनत करो अरे मेरे बच्चों, सुन लो जरा अकल के कच्चों। मेहनत करो अरे मेरे बच्चों, सुन लो जरा अकल के कच्चों। कभी न मेहनत से घबराओ, उठो उठो और आओ आओ। हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ, जोर लगाओ जोर लगाओ। दुख को हरो मेरे बच्चों, मेहनत करो अरे मेरे बच्चों। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।